जितने भी फ्री फायर लवर्स इस वीडियो को देख रहे हो, तो जैसे कि आपको पता होगा कि फ्री फायर इंडिया के अंदर बैन हो चुका है, लेकिन एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो फ्री फायर है वो प्ले स्टोर पर बहुत जल्द आने वाला है। 1 से 2 हफ्ते के अंदर प्ले स्टोर पर वापस से फ्री फायर लिस्ट होने वाला है। तो ये अपडेट कहाँ से आई है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक जरूर से देख लेना क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। अगर आप एक फ्री फायर लवर और अगर आप भी फ्री फायर खेलते थे, अभी सडनली बैन होने के कारण अगर आप फ्री फायर नहीं खेल पा रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना बनता है क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उस खुशखबरी के बारे में आज की इस वीडियो में प्रॉपर बात करने वाला हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली अभी फ्री फायर बैन हो चुका है इंडिया के अंदर, और जो फ्री फायर है वो है सिंगापुर का। अब यहां पर चाइना से उसका कोई भी लेन देन नहीं है, लेकिन सिंगापुर का होने के बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पर फ्री फायर को बैन कर दिया है। तो इसी बीच में यहां पर सिंगापुर गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से बात की फ्री फायर के बारे में। जी हां, बिल्कुल सही सुना, यहां पर एक ऑफिशियल अपडेट है। अगर आप चाहो तो कहीं से पता कर सकते हो, गूगल पर सर्च करते हो, यहां पर यह बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज है कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से बात की है फ्री फायर को अनबैन करने के लिए और वापस से प्ले स्टोर पर लिस्ट करने के लिए। तो ये बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। अब होता क्या है आगे देखने लायक होगा। मेरे को लगता है कि अगले हफ्ते या फिर मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर, यहां पर उन्होंने बताया है मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं जितना मैंने वहां पर अपडेट लिया है वो अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। तो मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर फ्री फायर है वो वापस से प्ले स्टोर पर लिस्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट का कहना है कि हमारा चाइना से कोई भी लेन देन नहीं है, कोई भी यहां पर डाटा चाइना तक नहीं पहुंचा रहे फ्री फायर के द्वारा। तो यहां पर अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो यहां पर इंडियन गवर्नमेंट से बात करने पर इंडियन गवर्नमेंट ने ना तो अभी तक यहां पर हां किया अनबैन करने के लिए, और ना ही यहां पर ना किया है कि यहां पर जो बैन है वो लगा रहेगा या फिर नहीं लगा रहेगा। यहां पर कोई भी यहां पर जवाब नहीं दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते या फिर मार्च का फर्स्ट वीक के अंदर ही फ्री फायर वापस अनबैन हो जाएगा और जितने भी फ्री फायर लवर्स है वो वापस से खेलने लग जाएंगे फ्री फायर को। और अगर आप भी एक फ्री फायर लवर हो तो मेरे को जरूर से कॉमेंट बॉक्स में बता देना इंडिया के अंदर फ्री फायर बैन हुआ उससे आपको कितना फर्क पड़ा, जरूर से कॉमेंट बॉक्स में बता देना। और आपको ऐसी फ्री फायर की अपडेट्स एंड न्यूज एंड गेम प्ले वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं करोगे तो कोई भी अपडेट जब भी डालूंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आप हमारे उस वीडियो को नहीं देख पाओगे। जरूर से आप हमारा उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। अगर फ्री फायर को लेकर कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी न्यूज आएगी, तो सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि फ्री फायर बैन ही रहेगा या फिर अनबैन हो जाएगा, किस डेट को होगा। कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। और आज की जो हमारी न्यूज एंड अपडेट थी फ्री फायर को लेकर बस इतनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।